आर्मी बनना है मुझे। अच्छा, आर्मी में जाओगे देश की सेवा करने के लिए? हाँ। यही भगवान से मांगे हो? हाँ। बहुत शांति, मन को शांति लगा, मन को शांति मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पटना में इतना बड़ा टेंपल खुला है, बहुत मतलब बड़ा बात है कि इतना ये ब्यूटीफुल भी बहुत है। बहुत अच्छा बना है ये मंदिर, ठीक है, और इतने बड़े मंदिर का एक हमारे बिहार को जरूरत भी थी। बहुत अच्छा है, हमारे बिहार में ये पहला ऐसा मंदिर है इतना बड़ा बना है, और बाकी तो दूसरे स्टेट्स में है लेकिन हमारे बिहार में ये पहला बना है। पटना से कैसा लगा ये जो मंदिर आप लोग देखे? बहुत अच्छा। क्या आप दूसरे जगह भी घूमी थी ऐसे ऐसे जो मंदिर है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज, और आप सभी को परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े मंदिर इस्कॉन टेंपल, जो कि बिहार में अभी फिलहाल में ही इसका इनका जो इस्कॉन टेंपल है उद्घाटन हुआ है। और ये जो है इस इस्कॉन जो टेंपल है इनकम टैक्स चौराहा और जो ये पटना जंक्शन के बीच में है, जो जी पी ओ गोलंबर है इसके बीच में है, और हम बहुत ही भव्य तरीके से इसको जो इस्कॉन टेंपल है बनाया गया है, और इसका जो लागत है 100 करोड़ है, और ये लगभग 12 साल से इसमें काम हो रहा था, और जो कि 12 साल के बाद अभी पूर्ण हुआ है। हाँ, बोलिए। क्या नाम है? नेहा कुमारी। अच्छा, मंदिर को दर्शन के लिए गए थे? हाँ, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? कहाँ से हैं? यही पटना से हैं। कैसा लग रहा है पटना? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। राधे कृष्ण, हाँ, पूरा घूमे, अच्छा लग रहा है। कैसे मतलब जाने पहली बार 3 मई को? हस्बैंड से? नहीं नहीं, 2 साल शादी का ही हो रहा है। अच्छा, यही बोले कि मंदिर बनने वाला है, इसी साल उद्घाटन भी हुआ है, इसीलिए। प्रवेश की तो कैसा लगा ये? बहुत शांति, मन को शांति लगा, मन को शांति मिल रहा है। मन्नतें मांगी होंगी सब? वो तो भगवान ऑटोमेटिक पूरा कर देते। ये मंदिर घूमने के लिए कैसा लगा? काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। ये बिहार में कहाँ घर है, कहाँ से? हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर से यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है बिहार में पटना में देखने को मिलता है इस्कॉन टेंपल? अच्छा लग रहा है, पहली बार आया है। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है जो मंदिर घूमे हैं अभी, जो इतना बड़ा बनाया गया है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी अच्छा है पटना में आया इस्कॉन टेंपल। शुभता, ये जो मंदिर आप लोग विजिट किए कैसा लगा जो ये मंदिर है? बहुत अच्छा लगा। पहले भी आई हुई थी या फिर? नहीं, ये पहली बार। पहली बार। ये जो बाकी बिहारी का जो मंदिर है और जो इस्कॉन टेंपल है, हमारे बिहार में इतने बड़े और हमारे पटना में ही मिल रहा है, पटना में देखने को मिल रहा है इतने बड़े जो टेंपल है, आप विजिट की कैसा लगा इनकी की? ये बहुत अच्छी बात है कि पटना में इतना बड़ा टेंपल खुला है, बहुत मतलब बड़ा बात है कि इतना ये ब्यूटीफुल भी बहुत है, ऐसे कि आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो है नाग शैली से बनाया गया है? यस यस। और इसमें 100 करोड़ का जो लागत है लगाया गया इसमें? या क्या कहना चाह रहे हैं पटना वासी को, बिहार वासी को? कि ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ पे, ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू। अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, फर्स्ट टाइम था हम लोग का। हम दर्शन किए? हाँ हाँ, दर्शन कर लिए। क्या मांगी है अपने? नहीं, मांग लिए बस, हो गया, ऐसे भगवान जी सब कुछ दे दिए। ज्यादा नहीं मांग। बहुत अच्छा लगा। पटना में और बिहार में देखने को मिलता है, तो वृंदावन जाने का तो कोई नहीं, राधे कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए? नहीं, वृंदावन का बात अलग है बिल्कुल, यहाँ का अलग हुआ, कंपेयर नहीं कर सकते, हर का अपना अलग अलग है। हाँ, दर्शन आप सबका अलग अलग होता है, यहाँ का भी अच्छा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। कहाँ से आए हुए हैं घूमने? पटना जयप्रकाश नगर से। जयप्रकाश नगर पटना से आए हुए हैं। कैसा मंदिर बना है? मंदिर भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख करके, पहली बार आए हैं लेकिन बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा देखने को मिला है। सबसे पहले आप यहाँ पर आए हुए थे? यहाँ का जो काम किया हुआ है बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके मंदिर को सजाया गया है, बहुत अच्छा है। सब लोगों को चाहिए कि चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि हर कोई आए एक बार इस मंदिर को देखे घूमे, मंदिर बहुत अच्छा है। दर्शन किए? हाँ, दर्शन किए हैं। कैसा मतलब हुआ है अंदर से, क्या देखे हैं जो राधा कृष्ण और बाकी बिहारी जी का जो मंदिर? तकनीकी आधार से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, हमको देखने में लगा कि नहीं बहुत सुंदर था।
और पहली बार आए हैं तो और भी अच्छा लगा देखने में। पहली बार आप लोग आए पहली बार आए हम लोग दर्शन करके क्या क्या मांगे हैं राधा कृष्ण से? भगवान से यही मांगे हैं, कैसे ही भक्तों का भीड़ उमड़ा रहे और अब बस इसी तरह। और बहुत सारे लोग जो हैं मंदिर घूमने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा तो अमित सिंह नाम पड़ेगा। अमित सिंह कहाँ से आए हुए हैं? हम तो पटना में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बिलोंग करते हैं कैमूर से। कैमूर जिला से? हाँ, कैमूर जिला से आए थे। कैसा लगा घूम कर? बहुत अच्छा लगा। ये पटना में तो पहली बार इतने बड़ा है और पूरे तरीके से जो मंदिर है बनाया गया है। हाँ, सही बात। बहुत सुंदर भी बनाया गया है, बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा लगा। शांतनु नाम हुआ हमारा, हम यहीं से, हम लोग पटना से ही हैं। हाँ हाँ हाँ। और बहुत अच्छा बना है ये मंदिर, ठीक है। और इतने बड़े मंदिर का एक हमारे बिहार को जरूरत भी थी। हाँ, क्योंकि लोग वृंदावन और कहाँ कहाँ जाते थे ऐसे, तो वो भी है, लेकिन एक तरह से यहाँ भी बन गया जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। अंदर जो एंट्री किए आप, जो बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी का दर्शन की, बहुत बहुत सुंदर लगा। बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। दर्शन किए आप लोग? हाँ कर लिए। क्या क्या मन्नतें मांगी हैं आप लोगों ने? हाँ, भगवान अच्छे से रखे, अच्छा करे। कहाँ से आप लोग? हम लोग आनंद विहार कॉलोनी पटना से। हाँ पटना से। पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुकी थी? नहीं, यहाँ पहली बार आए। पहली बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर है। मतलब अभी तक तो यहाँ ऐसा इस्कॉन मंदिर काफी। क्या नाम है? श्रेया। कहाँ से आप लोगों? राजेंद्र नगर से। कैसा लगा यहाँ पर जो विजिट किया यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, यह मंदिर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी है। पहली बार आए हैं कि पहले? हाँ, पहली बार आए हैं हम लोग। जब एंट्री की तो कैसा लगा यहाँ पर? आने के साथ ही हमको तो बहुत अच्छा लगा, लाइक यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है स्पेशली, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और आपको, आपके क्या नाम है? दीपशिखा। कहाँ से आप लोग? मैं भी राजेंद्र नगर, साथ में है दोनों। साथ में आप लोग? हाँ हाँ। कैसा है ये अनुभव, क्या अनुभव कैसा हुआ? बिल्कुल बहुत अच्छा है, हमारे बिहार में ये पहला ऐसा मंदिर है, इतना बड़ा बना है। और बाकी तो दूसरे स्टेट्स में है, लेकिन हमारे बिहार में ये पहला बना है ऐसा, यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सभी लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए, बहुत अच्छा मंदिर है। बाके बिहारी जी का? हाँ हाँ, हम लोगों ने डांस भी किया है। अच्छा, भजन कीर्तन भी वहाँ पर हुआ है सब? हाँ जी। क्या मन्नतें मांगी हैं आप लोग बाके बिहारी? मन्नतें तो नहीं शेयर करते ना, कोई होता है आप लोग? और यहाँ पे पॉजिटिव वाइब भी बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा है। और ये अभी तो एक महीने ही हुआ है? हाँ हाँ, हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सभी लोगों को विजिट करना चाहिए घूमने के लिए भी, और कृष्ण भगवान का मंदिर है, सभी को आना चाहिए। और यहाँ पर प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया? हाँ हाँ बिल्कुल, प्रसाद, हाँ हाँ, आरती प्रसाद सब कुछ हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग हैं उनसे। थैंक यू। क्या नाम है बाबू? शिवांश। किस लिए यहाँ पर आए हो आप? भगवान जी के दर्शन करने। कौन से भगवान के आप दर्शन किए हुआ? कृष्ण जी। कृष्ण जी का? कब आए हो यहाँ पर घूमने के लिए, कैसा लगा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में हो अभी? टू। कहाँ घर है आपका? पटना में। पटना में ही घर है, और यहाँ पर पढ़ते हो? और यहाँ पर सबसे पहले आप घूमने के लिए आए हो, तो कैसा लगा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। तो भगवान से कुछ मांगे भी हो, मन्नत भी मांगे हो? हाँ। क्या मांगे हो? भगवान जी मैं बहुत पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनूं। अच्छा, क्या बनोगे पढ़कर? पुलिस। पुलिस बनना है? क्यों पुलिस बनना है? मतलब नहीं, आर्मी बनना है मुझे। अच्छा, आर्मी में जाओगे देश की सेवा करने के लिए? हाँ। यही भगवान से मांगे हो? हाँ। देखिए बाबू, आर्मी में जाएंगे देश की सेवा करने के लिए, यही भगवान से माने हैं। ठीक है बाबू, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगा। और धन्यवाद। राधे राधे। छोटे छोटे बाबू लोग हैं, उनसे भी हम जानने का क्या प्रयास करेंगे। बाबू राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। घूमने के लिए आप लोग आए थे? हाँ। कहाँ घर पड़ेगा आप लोगों का बाबू? पटना। पटना से। कैसा लगा ये जो मंदिर आप लोग? बहुत अच्छा। क्या आप दूसरे जगह भी घूमी थी ऐसे ऐसे जो मंदिर है? नहीं। अच्छा लगा यहाँ पर? बाबू बाबू, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या। आपका? मेरा नाम राध्या। अच्छा, अच्छा लगा यहाँ पर घूम करना। क्या क्या भगवान से कुछ मांगी होंगी ना? मांगी बुद्धि विद्या कुछ मांगी? बोलो बोलो, क्या मांगी हो? बहुत सारा कुछ। बताओ ना क्या क्या मांगी हो एकदम?
बहुत कुछ। ठीक है धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग पटना के ही हैं। अच्छा, ये मंदिर आप लोग भीड़ की कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत दिव्य दर्शन होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, अलौकिक लगता है। एक बार सबको मैं रिकमेंड करूंगी कि यहाँ आके एक बार घूम के जाएं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग पटना के ही हैं। पटना से ही हैं आप लोग? हाँ, बट मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। पटना में हमारे देश के जो तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा अंदर जब एंट्री की, यहाँ बहुत दिव्य बनाया गया है इसको, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा खासा ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आइए, घूमिए, फोटोज लीजिए, भगवान के दर्शन तो होंगे ही, और धीरे धीरे और डेवलप होगा तो और अच्छा लगेगा। भजन कीर्तन भी हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त। जी जी जी, धन्यवाद। नॉर्थपुर खगौल। कैसा घूमी आप लोग मंदिर? नहीं, अभी तो आए हैं। अभी जस्ट आए हुए हैं? अभी तो मंदिर बंद होने वाला है। नहीं, अभी जस्ट आए, जा रहे घूमने। थोड़ा देर में मंदिर बंद हो रहा है? नहीं। कैसा लग रहा है ये जो आप लोग अभी जस्ट आए हुए हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये पटना में और बिहार में पहली बार जो इतना बड़ा मंदिर जो है बनाया गया है। तो यही विजिट कीजिए, अभी तो घूमी नहीं है क्या सकते क्या भी। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास किए और वो लोग भी बताने का काम किए हैं जी किस तरह से जो मंदिर है और बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से, भव्य तरीका से जो है शैली जो है इसमें किया गया है और बताया गया है। और जो भी है इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे जो जगह है उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जो भी है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अमित कुमार, थैंक यू, जय हिंद।